नमस्कार दर्शक बंधु, मु संगीता आउ आपण माने देखुचंदी होम टिप्स। आज कथा हेबा लीची विषय। लीची स्वाद रे मीठा और रसाळ हेबा सहित स्वास्थ्य पाई मध्य खूब उपकारी होइथाय। लीची रे अनेक गुडिए पोषक तत्व रहिथाय जा शरीर को अनेक रोगरु मुक्त करिथाय। तबे आसंत जानि नेबा लीची रो किछि उपकारिता विषय। दर्शक बंधु, लीची सोबेरी फ्रूट्स मानक मध्य अंतर्भुक्त। भारत में लीचीर सबुठारु अधिक उत्पादन बिहार रे होइथाय। तबे भारत में लीची को खाद्य रे अनेक तो व्यवहार करती हेले काहिंकि खाइबा लीची जानि नियंतु। लीची पाचन क्रिया को बढ़ाइथाय। लीची रे विटामिन सी अधिक थिबारु एहा प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाइथाय। लीची रे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर थिबारु एहा त्वचा को उज्ज्वल चर्म समस्या को दूर करिबारे सहाय्य करिथाय। लीची रे रहिछि पॉलीफेनोलिक एवं प्रोएंथोसाइनिलिन जाके विटामिन सी थारु अधिक शक्तिशाली, सेतिपाई एहा को कैंसर रोगियों पाई व्यवहार करा छे। लीची रे पोटासियम अधिक मात्रा रे थिबा कारणरु एहा उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करिथाय। लीची रे रहिथिबा पोटासियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करिथाय जहाद्वारा हार्ट अटैक परि समस्या दूर होइथाय। लीची को खाइबा सहित त्वचा रे लगाइबा द्वारा चर्मर अनेक समस्या दूर होइथाय। सनबर्न दाग दूर करिबा पाई मध्य लीची रस को व्यवहार करा जायथाय। लीची हार्ट रोगियों पाई एक भल मेडिसिन अटे। यह शरीर रे रक्त संचरण को खूब सहज रे करिबार शक्ति रखिथाय, तेणु यह हार्ट को सुस्थ रखिथाय। लीची रे फाइटोकेमिकल थिबा कारणरु आखिरे मोतियाबिंदु परी समस्या को दूर करिथाय। हाड़ समस्या सह श्वास रोगी पाई लीची मध्य खूब लाभदायक होइथाय। ओजन कमेबा को चाहुथिबा व्यक्ति लीची को व्यवहार करि पारिबे। लीची रे कैलोरी खूब कम थिबारु एहाकु ओजन कमेबा को चाहुथिबा व्यक्ति व्यवहार करि पारिबे। ता सहित कफ जनित समस्या को मध्य लीची दूर करिथाय। लीची शरीर पाई जेतिके उपकारी सेतिके हानिकारक मध्य। अत्यधिक लीची खाइबा द्वारा निश्वास प्रश्वास रे असुविधा देखा देथाय। अधिक लीची खाइबा द्वारा चर्म समस्या मध्य देखा दिए। हटात चर्म कुंडे हेबा सहित स्किन इन्फेक्शन बढ़िथाय। तेणु लीची को सीमित मात्रा रे खाइबा द्वारा शरीर सुस्थ रहिथाय। दर्शक बंधु, आगुक जदि आपण भी किछ सरल टिप्स जानिबाकु चाहुचंदी तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करबा सह कार्यक्रम संपर्क में कमेंट मध्य देइ पारिबे। तेबे आजि पई एतिकी रहुछु, नमस्कार।